नई सुबह के YouTube चैनल को विजिट करने का शुक्रिया। मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubah.org naisubah.org। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नई सुबह के कंप्यूटर लर्निंग ट्यूटोरियल्स में खुशामदीद। मैं शायान। आज जो हम ट्यूटोरियल रिकॉर्ड करने जा रहे हैं उसमें हम ये बताएंगे कि जॉर्ज डिक्शनरी मैनेजर क्या होता है और उससे हम क्या क्या फायदा ले सकते हैं। आइए, जॉर्ज डिक्शनरी मैनेजर के लिए हम लोग प्रेस करेंगे इंसर्ट डी। यहाँ पे इसने बोला है studio.jaws.dictionary.manager। जॉज का जो डिक्शनरी मैनेजर होता है वो क्या काम करता है कि जैसे कि हम लोग स्पेलिंग कोई टाइप करते हैं, अगर उसका वो प्रोनाउंसिएशन सही नहीं कर रहा होता तो हम कुछ ऐसी स्पेलिंग टाइप करते हैं जिसके जरिए उसकी जॉज की जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो सही हो जाती है। तो इंसर्ट डी हम जिस भी एप्लीकेशन पे खड़े होकर प्रेस करेंगे तो वो उस एप्लीकेशन के अकॉर्डिंगली हमें डिक्शनरी मैनेजर खोल के देगा। अगर हम चाहते हैं कि ये जो हम चेंजेस कर रहे हैं वो तमाम एप्लीकेशन पे अप्लाई हो तो हम उसके लिए उसको डिफॉल्ट डिक्शनरी मैनेजर बनाने के लिए एक कमांड अप्लाई करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डी, तो वो बोलेगा डिफॉल्ट डिक्शनरी मैनेजर। Default.jdf-jaws-dictionary-manager। अब ये डिफॉल्ट डिक्शनरी मैनेजर हो चुका हुआ है। अब हम यहाँ पे टैब प्रेस करेंगे। प्रीव्यू फ्रेंच क्लोज वन ऑफ नाइन। प्रीव्यू फ्रेंच क्लोज मींस कि यहाँ पे जो अब तक एंट्रीज हो चुकी हैं, जो हमने चेंजेस कर चुके हैं उसकी वो लिस्ट बता रहा है, तो हम सबसे लास्ट में जाके देखते हैं कि अब तक कौन सी एंट्री लास्ट एंट्री हुई हुई है। एंड फोर इक्वल्स VFO। फोर इक्वल्स FVO। अगर हम लोग फोर टाइप करेंगे तो वो FVO पड़ेगा। लिव व्यू इक्वल्स लाइव व्यू। लिव व्यू अगर हम लोग टाइप करेंगे तो वो हमें लाइव व्यू पढ़ के सुनाएगा। इसी तरीके से हम एक और एंट्री करते हैं। Tab, change, dot, 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 button to activate। अगर हम इन एंट्रीज में कुछ चेंजेस करना चाहें तो यहाँ से चेंज बटन से कर सकते हैं। Tab, delete button to activate। अगर इनमें से कोई एंट्रियां डिलीट करना चाहें तो इस डिलीट बटन से कर सकते हैं। Tab, add, dot, 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 button to activate, press space bar, alt plus add, dot, 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 button। इस पे मैं स्पेस बार दबाऊंगा। Space, add dictionary definition dialog, actual word colon edit, type and text। अब वो मुझसे पूछ रहा है एक्चुअल वर्ड क्या है जो आप टाइप करते हैं, तो मैं यहाँ पे अपना नाम लिखता हूँ। S H A Y A N Shayan space Shayan। मैंने अपना जो नाम लिखा है वो ये प्रोनाउंस कर रहा है Shayan। अब मैं चाह रहा हूँ कि उसको वो प्रॉपर तरीके से प्रोनाउंस करे, तो मैं टैब प्रेस करूंगा। Tab, replacement word, colon, edit। अब वो मुझसे पूछ रहा है रिप्लेसमेंट वर्ड, इसके रिप्लेसमेंट में आप क्या वर्ड लिखना चाह रहे हैं के वो प्रोनाउंस करे, तो जो एक्चुअल वर्ड होगा हम लोग वहाँ पे एक्चुअल वर्ड लिखेंगे और जो हम प्रोनाउंस करवाना चाह रहे होंगे वो हम लोग रिप्लेसमेंट वर्ड में जाके लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एस एच ए स्पेस वाई ए एन शायान। अब मैंने स्पेस देके यहाँ पे लिखा है एस एच ए स्पेस वाई ए एन, तो ये देखिएगा क्या पड़ेगा। टैब प्रेस करते हैं। हम इसके साथ कोई साउंड भी अप्लाई करवा सकते हैं, मींस के जब हम शायान एस एच ए वाई ए एन टाइप करें, एक तो वो शेन के बजाय शायान तो पढ़े लेकिन साथ में कोई साउंड भी दे, तो हम यहाँ पे साउंड भी अप्लाई कर सकते हैं। तो टैब प्रेस करके यहाँ पे साउंड सिलेक्ट करते हैं। एंटर प्रेस करूंगा मैं। एंटर एट डिक्शनरी डेफिनेशन डायलॉग ओपन साउंड डायलॉग लिस्ट व्यू असेंड वन ऑफ 204 टू मूव। यहाँ पे हमारे पास 204 साउंड्स आ रहे हैं, हम कोई सभी एक साउंड सिलेक्ट करेंगे। क्रंच क्रंच सिलेक्ट करते चलें। टैब प्रेस करके इंपोर्ट डॉट 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 बट ऐप ओके बटन टू एक्टिवेट ओके करेंगे। एंटर डिफॉल्ट डॉट जेडीएफ डैश जॉस डिक्शनरी मैनेजर। यहाँ पे टैब प्रेस करेंगे तो प्ले बटन आ रहा होगा, तो हम वो साउंड सुनेंगे कि वो क्या साउंड होगा। ऐप प्ले साउंड बटन टू एक्टिवेट स्पेस। ये देखें, ये एक साउंड भी हमें इसने प्रोड्यूस किया है। टैब प्रेस करेंगे यहाँ पे। ऐप अप्लाइज द कोलन लैंग्वेज कोलन कॉम्बो बॉक्स ऑल लैंग्वेजेस वन ऑफ 8 टच। वो पूछ रहा है कि किस लैंग्वेज पे आप ये चेंजेस अप्लाई करवाना चाह रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे ऑल लैंग्वेजेस सेलेक्ट करेंगे ताकि जिस भी लैंग्वेज पे हम लोग शायान लिखें वो हमें शेन के बजाय शायान पढ़ के सुनाए। Tab, speak replacement word using language colon combo box default one of one touch a। इसको हम लोग डिफॉल्ट रहने देंगे, मींस ये पूछ रहा है कि जो रिप्लेसमेंट वर्ड है उस वो कौन सी लैंग्वेज का होना चाहिए, तो हम लोग वो डिफॉल्ट ही रहने देंगे। टैब प्रेस करेंगे। Tab, case sensitive checkbox not checked, so check press space bar।
टैब प्रेस करते हैं ओके बटन टू एक्टिवेट। अब यहाँ पे हम ओके प्रेस करेंगे एंटर ऐड डॉट 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 बटन और जब ये एंट्री ऐड हो जाएगी तो यहाँ पे कंट्रोल एस प्रेस कर देंगे ताकि ये एंट्री सेव भी हो जाए कंट्रोल एस। अब मैं आपको नोटपैड खोल के शायन टाइप करके सुनाऊंगा कि देखें वो किस तरह प्रोनाउंस करता है। स्टार्ट मेन्यू खोलेंगे नोटपैड के लिए मेन्यू सर्च बॉक्स एडिट एंड कनेक्ट ओ टी आर टी नोटपैड एंटर लीविंग मेन्यूज अनटाइटल्ड डैश नोटपैड एडिट। अब यहां पे मैं टाइप करूंगा शायन एस एच ए वाई ए एन शायन। इसने पहले शायन ही पढ़ा, अब मैं इसको डाउन एरो से रीड करवाऊंगा शायन। ठीक है, उसने शायन भी प्रॉपर तरीके से बोला है और जो मैंने साउंड अप्लाई करवाया था वो साउंड भी आ रहा है शायन शायन शायन। जब हमने कंट्रोल एस प्रेस कर दिया तो ये जो हमने चेंजेस किए हैं, जो भी एप्लीकेशन हम यूज करेंगे जहां पे भी हम शायन टाइप करेंगे तो ये प्रॉपर तरीके से शायन के बजाय शायन ही पड़ेगा। एक्चुअल वर्ड हमने शायन की जो एक्चुअल स्पेलिंग थी वो लिखा था एस एच ए वाई ए एन और रिप्लेसमेंट में लिखा था शाह स्पेस यान ताकि हमें ये शाह यान प्रोनाउंस करके दिखाए, तो इसी वजह से शेयन के बजाय शायन प्रोनाउंस कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि इस ट्यूटोरियल में आपको बहुत रहनुमाई हासिल हुई होगी। आइंदा फिर किसी ट्यूटोरियल में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। ये मालूमाती मवाद आपके लिए नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। हमारे कंटेंट से मुतालिक अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए राब्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए।